सो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे प्रोपगेशन, स्पेस वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, कि हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि हाँ ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, स्पेस में जा रहा है वेव. तो हम लोग देखे थे किस किस तरीके से हम लोग प्रोपगेट करा सकते हैं वेव को और किस मेथड में क्या प्रॉब्लम है. तो क्या पता चला था कि बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव या फिर वेवलेंथ ऑफ वेव दैट वी वांट टू ट्रांसमिट, उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा प्रोपगेशन चूज करेंगे. ठीक है ना, कोई भी चीज अगर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है तो वो वेवलेंथ पे डिपेंड करना ही है उसको, क्योंकि रिलेशन क्या है, एफ इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा. तो सी जो है वो तो स्पीड ऑफ लाइट है, वो कांस्टेंट ही रहता है हमेशा. तो अगर कोई चीज फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है दैट मींस कि वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है. ठीक है ना, तो अभी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो अभी हम लोग देखेंगे आज टीवी ब्रॉडकास्ट चैनल्स कैसे प्रोपोगेट होता है, क्या क्या फैक्टर लगता है, एंटेना हाइट क्या है, बढ़ाएंगे क्या होगा, घटाएंगे क्या होगा, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं. आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टीवी ब्रॉडकास्ट चैनल्स एंड इंटरफेरेंस. ठीक है, तो इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए पहले हम लोगों को थोड़ा ब्रॉडकास्ट चैनल का जानकारी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि इसको एकदम याद रखना है, सारा एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन आगे समझने के लिए कि एक्चुअल में क्या बैंडविड्थ, क्या चैनल, ये सब क्या होता है, उसके लिए ये चीज़ है. तो 5 मिनट हम लोग लेंगे और तुरंत इसको देख लेंगे. तो जो भी बैंड जो हम लोग को प्रोवाइड किया गया है, हम लोग बोलते हैं क्या टीवी ट्रांसमिशन किस बैंड में होता है, यूएचएफ और वीएचएफ. अब वीएचएफ को भी लोअर और अपर बैंड में बांटा गया है और यूएचएफ का भी रेंज डिवाइडेड है. ठीक है, तो अभी बैंड वन को कहा गया है लोअर वीएचएफ रेंज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अगर मान लो कि 41 टू 230 मेगाहर्ट्ज़ को वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हाई है, ऐसा नहीं है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है, और ये भी हाई है. ये जो रेंज है इसको हम लोग डिवाइड कर दिए, इधर लोअर रेंज रख दिए, इसको हायर रेंज रख दिए. लोअर रेंज वीएचएफ मतलब ये नहीं होता है कि ये लो फ्रीक्वेंसी है, ये कुछ हर्ज या किलो हर्ज में होगा, ऐसा नहीं है. ये भी मेगा हर्ज में है, लेकिन ये हायर फ्रीक्वेंसी रेंज का ये लोअर वाला रेंज है, ये हायर रेंज है. ठीक है, कोई सामान खरीदने जाओगे, कोई सामान 200 रुपये का होगा, लेकिन कोई सामान क्या होता है 25,000 से लेकर के 1,00,000 तक का होगा. तो अब ये 25,000 से 1,00,000 तक को तुम लोअर और हायर रेंज में कर सकते हो कि हाँ 25,000 से 50,000 तक जो है वो लोअर रेंज हुआ और 50,000 से 1,00,000 जो हुआ वो हायर रेंज हुआ. सिमिलर वे में हम लोग इस फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम है हमारा यूएचएफ और वीएचएफ बैंड जो है उसको हम लोग डिवाइड कर लिए कि चलो हम लोग माने कि हमारा जो बैंड वन लेनिंग करेंगे, बैंड वन जो है वो 41 से 68 मेगाहर्ट्ज़ तक है. ठीक है, बैंड थ्री क्या है, इसको हम लोग कहेंगे अपर वीएचएफ रेंज, मतलब वीएचएफ जो फ्रीक्वेंसी है उसका अपर वाला रेंज. ठीक है, बैंड फोर यूएचएफ से डील करेगा, बैंड फाइव यूएचएफ से डील करेगा. तो सभी का यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कि बैंड वन है 41 to 68 मेगाहर्ट्ज़. ठीक है, तो सारा बैंड एक ही जैसा है, तो हम लोग कोई भी एक बैंड को लेकर के और डिस्कस करेंगे तो वो सभी का समझ में आ जाएगा. क्या हुआ, लाइट यहाँ पे नहीं है ना, बारिश का ये है इसीलिए ऐसा है. तो अभी क्या होगा, बैंड वन, बैंड वन में क्या है 41 to 68 मेगाहर्ट्ज़. ठीक है, अब इस बैंड वन में हम लोग 4 चैनल बनाए कि मेरे पास 41 to 68 मेगाहर्ट्ज़ है, ये 41 to 68 मेगाहर्ट्ज़, ये मेरे पास बैंड वन आ गया. बैंड वन में हम क्या किए, बैंड वन को 4 इसमें डिवाइड किए, ये मेरा चैनल वन हुआ, ये 2, ये 3, ये 4. ठीक है, ईच चैनल, हर चैनल जो है वो 7 मेगाहर्ट्ज़ का है, हर चैनल 7 मेगाहर्ट्ज़ का है. तो मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो हम वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं कोई एक चैनल के थ्रू करते हैं, तो यहाँ पे एक चैनल हमको कितना मिला, जो चैनल बैंडविड्थ मिला हमको ट्रांसमिशन के लिए वो मिला 7 मेगाहर्ट्ज़ का. ठीक है, अब वीडियो सिग्नल में तो 2 चीज़ रहता है, पिक्चर भी रहता है और साउंड भी रहता है. तो एक कैरियर होगा जो कि साउंड कैरियर होगा, एक कैरियर होगा जो कि पिक्चर कैरियर होगा. तो अभी ये 7 मेगाहर्ट्ज़ में, मान लो पहले चैनल पे हम कुछ ट्रांसमिट कर रहे हैं, इस 7 मेगाहर्ट्ज़ में कहाँ पे पिक्चर कैरियर लेंगे, कहाँ पे साउंड कैरियर लेंगे, जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वो क्या लेंगे. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर रेंज मेरा ये ना 41 to 68, मान लो कि A टू B रेंज है मेरा, तो ये लोअर रेंज हुआ, ये अपर रेंज हुआ. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है पिक्चर कैरियर और साउंड कैरियर का, कि इस पर डिपेंड करेगा. एक नंबर है 1.25. ठीक है,
तो ए प्लस 1.25, बी माइनस 1.25, ये दोनों निकाल करके जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा उस पर मेरा साउंड और कैरियर डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, मेरा अगर मान लो चैनल 4 लेते हैं, चैनल 4 के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 61 टू 68। तो 61 मतलब ए मेरा है 61 मेगाहर्ज, बी क्या है 68 मेगाहर्ज। ठीक है, अब अगर हमको इस चैनल में हमको कुछ ट्रांसमिट करना है तो हमको क्या करना होगा, हमको पिक्चर कैरियर कितना लेना होगा, 62.25। कैसे आया, ए प्लस 1.25, मतलब 61 प्लस 1.25, 62.25 आएगा। तो जो भी हम लोग पिक्चर कैरियर लेंगे वो 62.25 पे लेंगे। फिर साउंड, साउंड के लिए क्या होना चाहिए, बी माइनस 1.25, मतलब जो ये अपर रेंज है उससे 1.25 पीछे। तो 68 से माइनस करेंगे 1.25 तो क्या आएगा, 67.75। ठीक है, ये क्लियर है साउंड और कैरियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चैनल है, मान लो इसमें अगर हम लोग अभी हम लोग क्या डिस्कस किए, चैनल 4, 61 टू 68, मान लो ये मेरा चैनल 4 है 61 से 68, तो पिक्चर कैरियर मेरा कहाँ होना चाहिए, 62.25 पे। तो 62.25 समवेयर यहाँ आएगा, ये मेरा 62.25 है, तो पिक्चर कैरियर जो है वो यहाँ रहेगा। साउंड कहाँ पे आना चाहिए, 67.75, 67 यहाँ पे आएगा लगभग, तो यहाँ पे मेरा साउंड रहेगा, ये साउंड हुआ, ये पिक्चर हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो इसी तरीके से हर बैंड को हम लोग चैनल्स में डिवाइड कर रखे हैं। तो जो मेरा बैंड 1 है उसमें बहुत सारा चैनल्स है, बैंड 3 जो है उसमें चैनल है, और हर चैनल 7 मेगाहर्ज बैंड का है। 7 मेगाहर्ज में ही हम लोगों को पिक्चर प्लस साउंड जो वीडियो सिग्नल हम लोग का रहता है वो भेजना रहता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें? सिमिलर वे में वो अभी जो हम लोग देखे वो क्या देखे, बैंड 1 और 3, मतलब लोअर VHF अपर VHF। ठीक है, उसी तरीके से UHF बैंड को भी हम लोग डिवाइड करते हैं, लेकिन UHF में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा चीज़, यहाँ पे देखो ये भी 472, 478, ये 8 मेगाहर्ज का हो गया। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, 61 टू 68 ऐसे करके था, तो ये कितने मेगाहर्ज का था, 7 मेगाहर्ज का। तो UHF में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि चैनल बैंडविड्थ मेरा 8 मेगाहर्ज हो गया, चैनल बैंडविड्थ 7 मेगाहर्ज ही है, लेकिन क्या है, 1 मेगाहर्ज का एक गैप प्रोवाइड किए हैं, जो गार्ड बैंड जिसको कहते हैं, हम लोग पढ़े थे इसमें एनालॉग बेसिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स में। तो हर चैनल के बीच में 1 मेगाहर्ज का स्पेस छोड़ा जाता है गार्ड बैंड के रूप में, जैसे 470 टू 478 है, फिर ये 478 से 486 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो सिग्नल रहेगा वो 470 से 477 तक रहेगा, फिर 477 से 478 तक एक ब्लैंक, जो जिसको गार्ड बैंड हम लोग बोलते हैं, मतलब उसमें वो ब्लैंक रहेगा, वो गार्ड बैंड रहेगा, और उसके बाद फिर 478 से 485 तक फिर से हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो एक चैनल हुआ, फिर 1 मेगाहर्ज का गार्ड बैंड हुआ, फिर दूसरा चैनल हुआ। तो UHF में ये गार्ड बैंड होता है, लेकिन VHF में नहीं हो रहा है। और ये दूसरा वाला बैंड है, बैंड 5। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर मेरा चैनल रेंज है फ्रॉम ए टू बी, तो पिक्चर कैरियर क्या हो जाएगा, ए प्लस 1.25, और साउंड कैरियर क्या होगा, बी माइनस 1.25। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये सारा कुछ मेगाहर्ज में है। ठीक है, गीगाहर्ज में 1.25 नहीं करोगे, क्योंकि ये 1.25 जो क्वांटिटी है वो मेगाहर्ज में है, मतलब हम लोग जो भी हमारा लोअर रेंज है उसमें 1.25 मेगाहर्ज ऐड करते हैं। तो अगर कोई क्वांटिटी मान लेते हैं मेरा 2.5 गीगाहर्ज है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें 1.25 ऐड करोगे और हो जाएगा 3.75, नहीं, ये 1.25 जो है वो मेगाहर्ज होता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्ट एडिशन करना है तो ये जो मेरा रेंज होना चाहिए वो मेगाहर्ज में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग अभी चैनल के बारे में देख लिए हैं, अभी हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस सफर्ड बाय टीवी चैनल्स। ये सारे चैनल्स हम लोग देख लिए कि हाँ इतना इतना चैनल होता है, अभी इस चैनल में इंटरफेरेंस भी होगा, तो कौन कौन सा इंटरफेरेंस होता है। तो जो तीन जो मोस्ट डोमिनेंट टाइप का जो इंटरफेरेंस है वो होता है को चैनल, एडजेसेंट चैनल और घोस्ट इफेक्ट। ठीक है, तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्ट व्यू से भी। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं को चैनल। को चैनल मीन्स क्या होता है, को चैनल बताओ कोई, को चैनल मीन्स, को चैनल
चैनल को जो और दूसरे में डिवाइड किया हो, उसका दूसरा जो होता है जो कि मतलब ऑपरेट करने के दूसरा जो अच्छा को चैनल मीन्स जो चैनल एक ही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, आया समझ में? जैसे अभी हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी देखे ना कि हमारा ये पिक्चर कैरियर फ्रीक्वेंसी इतना होना चाहिए, साउंड कैरियर फ्रीक्वेंसी इतना होना चाहिए, हम लोगों को एक चैनल दिया गया है 7 मेगाहर्ट्ज का। अभी सिर्फ एक चैनल का बात कर रहे हैं, पूरे बैंड का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो ये चैनल है मेरा, चैनल 4 कहाँ से कहाँ तक था, 61 टू 68 तक, तो ये मेरा चैनल है। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि मान लो यहाँ पे ये एक एक स्टेशन है, स्टेशन 1, ये क्या करेगा, चैनल 4 पे काम कर रहा है, तो हो सकता है कि थोड़े दूर पे दूसरा स्टेशन हो वो भी चैनल 4 के ही फ्रीक्वेंसी पे काम करे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये वाले स्टेशन को ही इस पे ट्रांसमिट करने का हक है, ठीक है। तो को चैनल क्या होता है, ऐसा चैनल या ऐसा स्टेशन जो कि सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करे, सेम चैनल फ्रीक्वेंसी पे। तो इंटरफेरेंस कॉज ड्यू टू टू क्लोजली लोकेटेड स्टेशंस ऑपरेटिंग एट सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज को चैनल इंटरफेरेंस। मतलब ऐसा स्टेशन जो कि सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहा हो वो क्या करेगा, को चैनल इंटरफेरेंस प्रोवाइड करेगा। को चैनल क्यों, चैनल क्या होता है, एक तरह का फ्रीक्वेंसी ही ना हुआ। तो जब दो स्टेशन एक ही चैनल पे या एक ही कैरियर फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है इसका मतलब है कि वो लोग इंटरफेयर करेगा। लेकिन अगर ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होगा तब तो इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर क्लोजली रख देंगे, बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है अगर दो स्टेशन, तब तो ये लोग इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो को चैनल इंटरफेरेंस किसके कारण होता है, दो क्लोजली लोकेटेड स्टेशन, मतलब जो दो स्टेशन जो आस पास हैं और सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं, एक स्टेशन यहाँ पे है, स्टेशन 1 और स्टेशन 2, दो स्टेशन हो गया। अभी हम यहाँ पे हैं, अभी क्या होगा, ये दोनों ही सेम कैरियर फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, चैनल 4 में ही मान लो ट्रांसमिट कर रहा है। तो अभी अगर हम यहाँ पे रिसीव करेंगे तो क्या होगा, इधर से भी सिग्नल आएगा, इधर से भी सिग्नल आएगा, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस इक्वल है, अगर हम इक्विडिस्टेंट हैं दोनों स्टेशन से, तो हम ये इस स्टेशन से भी रिसीव करेंगे और इससे भी रिसीव करेंगे, ठीक है। और रिसीविंग जो सिग्नल स्ट्रेंथ होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, कि यहाँ एनवायरनमेंट में क्या है, बिल्डिंग है, पेड़ है, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो लेकिन यहाँ पे एकदम खाली एरिया हो, सिर्फ एक नदी हो, ठीक है। तो वो सब किस पर डिपेंड करेगा, कि उसका प्रोपोगेटिंग एनवायरनमेंट क्या है। लेकिन रिसीव तो हम दोनों ही इससे करेंगे, स्टेशन 1 से भी करेंगे और स्टेशन 2 से भी करेंगे। तो व्हेन टू सिग्नल स्ट्रेंथ इन एनी एरिया इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू को चैनल स्टेशन बिकम इक्वल, वेनेशियन ब्लाइंड इंटरफेरेंस अकर। ये जो टर्म है वेनेशियन ब्लाइंड, ये इंपॉर्टेंट है जो कि को चैनल इंटरफेरेंस में आता है, ठीक है। अब मान लो कि हम यहाँ पे बैठे हैं, स्टेशन 1 से जितना भी जो भी स्ट्रेंथ का सिग्नल आ रहा है, स्टेशन 2 से भी हमको उतने ही स्ट्रेंथ का सिग्नल आ रहा है, तब फिर ये वेनेशियन ब्लाइंड जो है वो अकर होता है। इसका नाम ये क्यों पड़ा, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, वेनेशियन ब्लाइंड का नाम सुने हो क्या होता है ये एक्चुअल में, कोई जाने जानता है इसको? ये क्या होता है, ऑफिस वगैरह में देखते होगे खिड़की पे ऐसा ऐसा वाला आजकल पर्दा रहता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रिप जैसा लगा रहेगा, यहाँ पे ऐसे एक रस्सी लगा रहेगा, इस रस्सी को खींचोगे तो ये बंद हो जाएगा, रस्सी को फिर खींचोगे तो ये खुल जाता है, ऐसा देखे हो ना। Yes, तो अभी yes, उसी को कहते हैं वेनेशियन ब्लाइंड हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये जब को चैनल इंटरफेरेंस होता है तो मेरा स्क्रीन ऐसा दिखता है, ये ऐसे लाइनिंग लाइनिंग जैसा आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो पर्दा होता है, ऐसा वाला पर्दा जो होता है वो ऐसे खुला हुआ है, ऐसा ही लगता है ना वो देखने में, ऑफिस वगैरह में देखोगे। मान लो ये खिड़की है और ये पर्दा अभी उठा हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही लगता है। तो उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा वेनेशियन ब्लाइंड इंटरफेरेंस अकर्स। तो को चैनल इंटरफेरेंस या इसको वेनेशियन ब्लाइंड भी कहते हैं। तो अभी क्या होगा, हम यहाँ पे हैं, इक्विडिस्टेंट जो ये स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 है, दोनों की तरफ से जो सिग्नल आ रहा है वो एकदम इक्वल स्ट्रेंथ का है। तो अब नॉर्मली क्या होगा, हम लोग भी जब कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे अच्छा इसका सुने कि इसका सुने, तो हमारा जो इक्विपमेंट है वो तो कंफ्यूज होना ही है, उसको वो देखेगा कि अब क्या करे, इसका इससे जो सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव करे कि इससे जो सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव करे। उसके कारण होता क्या है, हॉरिजॉन्टल ब्लैक एंड व्हाइट बार्स
आर सुपर इम्पोज ऑन द पिक्चर. सुपर इम्पोज मतलब किसी किसी के साथ मिल जाना. सुपर इम्पोज मतलब उस पर हम इम्पोज कर रहे हैं, उस पर बना रहे हैं. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ब्लैक एंड व्हाइट बार्स, तो ये जो बार जैसा दिख रहा है तुमको, ये ब्लैक व्हाइट बार दिख रहा है ना, ये मान लो अगर जो पिक्चर है वो ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ऐसे करके पिक्चर के ऊपर से. सुपर इम्पोज मतलब पिक्चर मेरा कहीं नहीं जाता है, पिक्चर भी रहता है लेकिन ब्लैक बार व्हाइट बार ऐसे से करके मेरा आ जाता है. ठीक है, और ये ब्लैक व्हाइट बार, ये जो सेपरेशन है, ये कहाँ से आता है? दिस इंडिकेट्स बीट फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग कैरियर्स. बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी सेपरेशन होता है, मतलब इन दोनों स्टेशन में कितना डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का. तो अभी हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों स्टेशन जो है सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है. अभी बात कर रहे हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी है तो सेपरेशन है, तो ये कैसे हुआ? तो मान लो कि अगर मेरा जो स्टेशन है वो 60 मेगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है, तो क्या होता है कि एग्जैक्टली ये 60 मेगाहर्ट्ज़ कहाँ से आया? कैरियर कहाँ से जनरेट किए हम लोग? ऑसिलेटर से जनरेट किए. तो हमारा जो ऑसिलेटर होता है वो भी तो एक सर्किट ही है. अगर हम ऑसिलेटर डिजाइन करेंगे 60 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करने के लिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमको एग्जैक्टली एकदम 60 मेगाहर्ट्ज़ दे. हो सकता है कि 60.0001 मेगाहर्ट्ज़ दे दे. ठीक है, सेम ऑसिलेटर हम खरीदे स्टेशन 2 में लगाए, ठीक है सेम ऑसिलेटर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम ऑसिलेटर हमको 60.0001 मेगाहर्ट्ज़ दे. हो सकता है कि वो ऑसिलेटर 60.009 मेगाहर्ट्ज़ दे दे. ये 9 जो है वो 9 हर्ट्ज का डिफरेंस कोई बड़ा बात नहीं है. कहाँ मेगाहर्ट्ज, कहाँ ये 9 हर्ट्ज का डिफरेंस. तो मेरा सर्किट जो है वो सेम काम करेगा, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस हो गया ना फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा. ठीक है, तो ये लिखा है बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू कैरियर्स एंड इज अ फ्यू हर्ट्ज. ये तो हम लोग देख लिए बहुत कम हर्ट्ज का, क्योंकि दोनों स्टेशन सेम इस पे काम कर रहा है. ये जो डिफरेंस आता है फ्यू हर्ट्ज का, वो क्यों आता है? क्योंकि ये जो ऑसिलेटर हम लोग लगाते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट 60 मेगाहर्ट्ज दे. ठीक है, तो ये जो बार्स होता है वो अप एंड डाउन मूव करता है. कभी कभी देखोगे कि ये एकदम ऐसे ही बस फिक्स है, लेकिन कभी कभी देखोगे कि ये बार क्या होता है, ऊपर नीचे होता है. लगता है जैसे ये बार है ये या तो नीचे मूव कर रहा है या फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. ये पहले के टीवी में ज्यादा होता था. ठीक है, तो दीज बार्स टेंड टू मूव अप और डाउन ऑन द स्क्रीन whenever the beat frequency is not an exact multiple of field frequency. मतलब ये हुआ कि जो beat frequency है उसी पर depend करके मेरा ये bars जो है fix रहेगा या up and down करेगा. अगर मेरा beat frequency multiple है field frequency के, तब तो ठीक है, लेकिन अगर exact multiple नहीं है तब वो क्या करेगा? या तो up की तरफ move करेगा या down की तरफ move करेगा. मतलब हम लोग को ऐसा लगेगा कि वो up and down move कर रहा है. ठीक है, तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है इसको रिड्यूस करने के लिए कि हाईली डायरेक्शनल एंटीनाज आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग को चैनल इंटरफेरेंस. डायरेक्शनल एंटीना करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्शनल एंटीना होता है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रेडिएट करता है, बाकी में रेडिएट नहीं करता है. तो ये एंटीनाज के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे. तो अगर ये रेडिएशन पैटर्न है मेरे एंटीना का, तो वो क्या होगा? अभी इससे क्या पता चल रहा है कि ये अगर एक्स डायरेक्शन है तो एक्स डायरेक्शन में ही बहुत सारा रेडिएशन हो रहा है, बाकी जगह नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अभी ये प्रॉब्लम ऐसे भी अभी जो आजकल की इसमें नहीं होता है, क्योंकि अभी क्या हो गया कि UHF को भी हम लोग ले लिए टीवी ट्रांसमिशन में. पहले सिर्फ VHF यूज होता था, लेकिन अब VHF को भी ले लिए तो मेरे पास ज्यादा स्पेस हो गया. अभी क्या है, इसको इस तरह समझो, मान लो एग्जाम है, एग्जाम में मेरे पास 10 बच्चे हैं लेकिन बेंच मेरे पास 4 ही है. तो हम क्या करेंगे? एक बेंच पे ज्यादा बच्चे को बैठाएंगे? ज्यादा बच्चे को, मान लो 5 बच्चे को हम एक बेंच पे बिठाए, तो क्या होगा? वो लोग चीटिंग भी ज्यादा करेगा. ठीक है, लेकिन मान लो कि अगले एग्जाम में हमको 4 बेंच से हट करके 10 बेंच मिल गया. अब क्योंकि 10 बेंच मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे? एक बेंच पे हम एक बच्चा बैठा सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब क्या होगा? चीटिंग या फिर इंटरफेरेंस कम हो जाएगा. तो वही चीज हुआ कि पहले हमारे पास सिर्फ VHF बैंड अवेलेबल था, तो हमको क्या करना पड़ता था कि सारा चैनल जो ट्रांसमिशन था, जो स्टेशन हम लोग बैठाते थे, वो स्टेशन बहुत पास इंस्टॉल करना पड़ता था, क्योंकि उतना ज्यादा हम लोग के पास स्पेक्ट्रम और चैनल अवेलेबल ही नहीं था. लेकिन अब क्या हो गया है कि VHF के साथ साथ UHF भी हम लोग ले लिए हैं टीवी ट्रांसमिशन में. तो अब मेरे पास बहुत स्पेस है, तो हम लोग स्टेशंस को बहुत अलग अलग बैठा सकते हैं. तो इंटरफेरेंस ऐसे भी कम हो जाता है, को चैनल इंटरफेरेंस. क्योंकि ये इंटरफेरेंस कब, हम लोग पहले ही बोले थे, ये किसके लिए है? क्लोजली लोकेटेड स्टेशंस के लिए. तो जब मेरे पास ज्यादा बैंड हो जाएगा तो हमको बहुत क्लोजली लोकेटेड स्टेशन नहीं बनाना पड़ेगा.
ठीक है, तो को चैनल इंटरफेरेंस क्या था, जब भी कोई क्लोजली लोकेटेड स्टेशन जो है वो सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, को चैनल इंटरफेरेंस अकर करता है। ये क्या होता है, जब भी व्हेन टू सिग्नल स्ट्रेंथ इन एनी एरिया, कोई भी एरिया में दोनों स्टेशन से जो सिग्नल आ रहा है उसका स्ट्रेंथ जब सेम हो जाता है कोई भी एक पॉइंट पे, तो वेनेशियन ब्लाइंड अकर होता है या फिर को चैनल इंटरफेरेंस होता है। इसमें होता क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट बार्स होता है जो कि पिक्चर पे सुपर इम्पोज हो जाता है, और क्या इंडिकेट करता है ये, बीट फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो दो स्टेशन से सिग्नल आ रहा है उन दोनों के कैरियर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस इंडिकेट करता है। अगर ये बीट फ्रीक्वेंसी जो है मान लो एफ बी, अगर ये मल्टीपल है हमारे फील्ड फ्रीक्वेंसी का, तब तो ठीक है, तब ये बार अप एंड डाउन मूव नहीं करेगा, वो सिर्फ ऐसे पिक्चर पे रहेगा। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है तब क्या होगा, ये हम लोग को लगेगा अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा को चैनल इंटरफेरेंस। कोई प्रॉब्लम है इसमें? सेकेंड हमारा है इंटरफेरेंस। एडजेसेंट चैनल मतलब क्या होता है, बगल वाला चैनल। ठीक है, जैसे चैनल वन चैनल टू अभी हम लोग पढ़े, मान लो ये हमारा लोअर वीएचएफ था, तो अगर ये 41 से 68 मेगाहर्ट्ज तक है, इसी में हम लोग चार बैंड बनाए, चार चैनल बनाए थे, ये एक बैंड हुआ, ये 41 टू ये पूरा एक बैंड हुआ। इस बैंड में चार चैनल हम लोग बनाए, चैनल वन चैनल टू चैनल थ्री चैनल फोर। तो अभी ये जो चैनल वन चैनल टू है ये एडजेसेंट चैनल है, मतलब बगल का चैनल है। चैनल वन और चैनल थ्री एडजेसेंट नहीं है, लेकिन वन टू है, सिमिलर वे में टू थ्री एडजेसेंट मतलब बगल वाला। ठीक है, तो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस अकर ड्यू टू क्लोजली स्पेस्ड एडजेसेंट चैनल। अगर ये दोनों चैनल को हम लोग बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड रखेंगे, तो वीएचएफ में क्या होता था, हम लोग कोई गार्ड बैंड नहीं रखते थे ना, तो ये जो इंटरफेरेंस होता है वो यूएचएफ में नहीं होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि यूएचएफ में हम लोग क्या करते हैं, अगर ये मेरा पहला चैनल है तो बीच में हम लोग 1 मेगाहर्ट्ज का स्पेस छोड़ देते हैं फिर दूसरा चैनल लगाते हैं। लेकिन वीएचएफ में तो ऐसा नहीं है, वीएचएफ में पहला चैनल जहां खत्म होता है वहीं से दूसरा चैनल शुरू हो जाता है, इसीलिए यहां पे एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस आता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये क्यों होगा, अभी हर एक चैनल में क्या होता है, मेरा पिक्चर कैरियर यहां रहेगा, साउंड कैरियर यहाँ रहेगा, हम लोग जानते हैं हर कैरियर से रिलेटेड कुछ साइड बैंड भी रहता है। ठीक है, कुछ साइड बैंड रहेगा, सिमिलर वे में सेकंड वाले चैनल में भी क्या रहेगा, यहाँ पे पिक्चर का रहेगा साइड बैंड और कैरियर, यहाँ साउंड का साइड बैंड कैरियर रहेगा। तो अभी क्या होगा, ये जो मेरा चैनल वन है इसमें ये साउंड कैरियर है, जस्ट चैनल टू में यहाँ पे ये वीडियो पिक्चर कैरियर आ गया, तो ये साउंड और पिक्चर इंटरफेयर कर सकता है ना। उसी तरीके से क्या होगा, कोई भी कैरियर किसी के भी साइड बैंड से इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, या तो कैरियर कैरियर आपस में इंटरफेयर कर ले, जैसे यहाँ पे ये साउंड का कैरियर जो है वो यहाँ वीडियो पिक्चर के कैरियर से इंटरफेयर कर सकता है, या फिर साउंड का जो साइड बैंड है वो यहाँ पे पिक्चर के साइड बैंड से इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, तो यही लिखा है कि एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस अकर ड्यू टू क्लोजली स्पेस्ड चैनल्स, और दिस अकर्स ड्यू टू बीट्स बिटवीन एनी टू ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज और बिटवीन अ कैरियर एंड एनी साइड बैंड। मतलब ये जो दो चैनल है, अभी जो दो स्टेशन हम लोग देख रहे थे वन और टू, अभी क्या एडजेसेंट चैनल में ये दोनों का सेम तो नहीं रहेगा फ्रीक्वेंसी, ये मान लो एफ वन पे काम कर रहा है, ये एफ टू पे काम कर रहा है, तो फिर से बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एफ वन माइनस एफ टू। तो या तो इस फ्रीक्वेंसी के कारण इंटरफेरेंस होगा, और या फिर क्या होगा, बिटवीन अ कैरियर एंड एनी साइड बैंड, एक कैरियर कोई भी साइड बैंड के साथ इंटरफेयर करेगा। ठीक है, एडजेसेंट चैनल में तो अ कोर्स डॉट स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन इफ पिक्चर कैरियर ऑफ डिजायर्ड चैनल बीट्स विद साउंड कैरियर ऑफ लोअर एडजेसेंट चैनल। मतलब क्या हुआ कि ये अभी हम लोग देखिए, ये क्या है मेरा पिक्चर कैरियर है। ठीक है, पिक्चर कैरियर ऑफ डिजायर्ड चैनल, मान लो ये मेरा डिजायर्ड चैनल है, ये मेरा पिक्चर कैरियर है, बीट्स विद साउंड कैरियर ऑफ लोअर एडजेसेंट चैनल। लोअर एडजेसेंट चैनल मतलब ये लोअर चैनल है ना वन, मान लो ये टू जो चैनल है वो मेरा डिजायर्ड चैनल है, तो वन लोअर एडजेसेंट चैनल, तो इसका जो ये टू का जो पिक्चर है वो क्या करेगा, साउंड का जो है इससे साउंड कैरियर से इंटरफेयर कर जाएगा। ठीक है, इससे तो करेगा नहीं, हायर वाले से तो नहीं कर सकता है ना, क्योंकि हायर वाला यहाँ से शुरू होगा, हायर वाले का साउंड क्या होगा, यहाँ पे रहेगा, तो इतने दूर तक तो इंटरफेयर नहीं होगा। इंटरफेयर कहाँ होता है, एडजेसेंट चैनल में और बगल वाले में। तो हालांकि टू का एडजेसेंट थ्री भी है,
लेकिन थ्री का साउंड कैरियर कहाँ रहेगा, यहाँ पे, और टू का पिक्चर कहाँ है, यहाँ पे, और इसका साउंड कहाँ है, यहाँ है। तो अब कौन सा मोस्ट लाइकली इंटरफेयर करने में, टू किसके साथ इंटरफेयर करेगा, जो ज्यादा बगल में है तो इसके साथ करेगा, इतना दूर जाकर के तो इंटरफेयर नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस होता है, ये या तो दो जो स्टेशन है उसका जो बीट फ्रीक्वेंसी होता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो बीट फ्रीक्वेंसी है उसके कारण होगा, या फिर कोई भी एक कैरियर और किसी का साइड बैंड के साथ हो जाएगा। लेकिन कभी भी एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि बीट जो डिजायर्ड पिक्चर कैरियर बीट्स विद साउंड कैरियर ऑफ लोअर एडजेसेंट चैनल, इसको हायर नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो पिक्चर कैरियर है, ये वाला जो कैरियर है वो हायर चैनल मतलब थर्ड का साउंड सिग्नल हो गया, तो इतने दूर जाकर के इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटरफेयर किसके कारण हो सकता है, पिक्चर साइडबैंड कंपोनेंट ऑफ अपर एडजेसेंट चैनल। अभी यहाँ ये जो अपर चैनल है इसका पिक्चर वाला कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो पिक्चर का साइडबैंड मान लो यहाँ पे होगा, ठीक है, तो इसका साउंड वाला यहाँ पे है। तो अभी क्या होगा, चैनल टू हमको चाहिए, लेकिन चैनल टू का जो साउंड वाला चैनल है वो हायर एडजेसेंट चैनल के पिक्चर साइड बैंड से इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिटेल में भी एग्जाम में नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ अगर क्लियर व्यू चाहिए तो एग्जाम में क्या कर सकते हो कि इसी तरह करके एक बैंड बनाओगे, ये चैनल वन रहेगा, ये टू रहेगा, ये थ्री रहेगा, तो ये थ्री वाला क्या हो गया, हायर एडजेसेंट चैनल, ठीक है, ये क्या वन क्या हो गया, लोअर एडजेसेंट चैनल, और चैनल टू क्या हो गया, तुम्हारा डिजायर्ड, मतलब तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा जो भी अभी तुम चैनल टू यूज करो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, चैनल वन में ये मेरा पिक्चर, ये साउंड, ये पिक्चर, ये साउंड, ये पिक्चर, ये साउंड, ठीक है, साउंड इधर रहेगा, पिक्चर यहाँ रहेगा, हम लोग देख चुके हैं क्योंकि कि कहाँ पे पिक्चर कैरियर और कहाँ पे रहेगा। तो अभी इसमें है कि चैनल टू हमको डिजायर्ड है, तो चैनल टू का जो ये जो पिक्चर है वो किसके साथ इंटरफेयर करेगा, इसके साथ कर सकता है, जो लोअर एडजेसेंट चैनल है उसके साउंड के साथ, ठीक है। फिर चैनल टू का ये जो साउंड वाला कैरियर है वो किसके साथ इंटरफेयर कर सकता है, हायर एडजेसेंट चैनल के पिक्चर साइड बैंड के साथ, ठीक है, क्लियर है, बस इतना सब बहुत ही सिंपल सा ही ये बात है। तो द बीट फ्रीक्वेंसी बिटवीन एनी एडजेसेंट पिक्चर कैरियर इज 7 मेगाहर्ट्ज़। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ये दिस इंटरफेरेंस अकर्स ड्यू टू बीट्स बिटवीन एनी टू ऑफ दिस फ्रीक्वेंसीज। तो अगर मेरे पास दो स्टेशन है, हम लोग जान रहे हैं कि एडजेसेंट चैनल मतलब दो चैनल, तो हर एक चैनल का कितना ये है 7 मेगाहर्ट्ज़। तो हर चैनल के कैरियर फ्रीक्वेंसी में 7 मेगाहर्ट्ज़ का डिफरेंस है। तो ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 7 मेगाहर्ट्ज़ हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा विड्थ होता है ना, बैंड बहुत बड़ा हो गया 7 मेगाहर्ट्ज़, तो इसके कारण जो इंटरफेरेंस होता है वो ना के बराबर ही होता है, जो इसके कारण बीट फ्रीक्वेंसी या हमारा जो ये डॉट स्ट्रक्चर स्क्रीन पे डॉट डॉट जैसा आता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। ज़्यादा किससे होता है, जब मेरा साइड बैंड जो है, ये जो पिक्चर साइड बैंड है वो साउंड वाले इससे बीट करता है, ठीक है। तो अभी इसको ACI को, जो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस है, उसको कैसे एलिमिनेट करना है, उसको हम लोग फिल्टर सर्किट से एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर गार्ड बैंड दे सकते हैं, ठीक है। गार्ड बैंड को अगर किलोमीटर में देखोगे तो दो स्टेशन को अगर हम लोग 150 किलोमीटर दूर रखेंगे तो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो हमारा जो को चैनल था उसको हम लोग कैसे हटाए थे, डायरेक्शनल एंटीना यूज करके। यहाँ पे जो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस है वो कैसे हटाएंगे, फिल्टर यूज करके, क्योंकि साइड बैंड के साथ इंटरफेयर कर रहा है, तो अगर हमको साइड बैंड हटाना है तो हम लोग फिल्टर लगा देंगे तो साइड बैंड नहीं आएगा, ठीक है ना। ये था एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। तो इसको हटाने का दो तरीका है, शार्पली ट्यून्ड बैंड एलिमिनेटर फिल्टर, मतलब बहुत ही शार्पली ट्यून बैंड जो है, हम लोग देखे थे प्रैक्टिकल जो अगर बैंड पास लेते हैं तो ऐसा आता है, तो शार्पली ट्यून मतलब ये एकदम ट्यून होना चाहिए। और गार्ड बैंड तो हम लोग बता दिए, दो चैनल के बीच में गार्ड बैंड रखेंगे, अगर यहाँ पे मेरा कुछ गार्ड बैंड रहता तब तो इंटरफेरेंस होता ही नहीं। तो सबसे बेस्ट वे क्या है, गार्ड बैंड रखना। लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं है कि तुम इसको गार्ड बैंड रख पाओ, तो तुम क्या करो, फिल्टर यूज कर लो, कि तुमको जो सिग्नल चाहिए जितना फ्रीक्वेंसी का चाहिए उस हिसाब से तुम सिग्नल ले लो, ठीक है। तो ये दो चीज़ है। तीसरा है घोस्ट इंटरफेरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, नोट्स में भी आता है और ऐसे भी तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। घोस्ट इंटरफेरेंस क्या होता है, कभी कभी टीवी पे देखोगे इस टाइप का इमेज आता है,
मतलब लगेगा कि दो इमेज है आगे पीछे रखा हुआ है थोड़ा सा, जैसे ये दिख रहा है ना, ये हिल टाइप का जो है ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लग रहा है जैसे दो इमेज को हम लोग साथ में रखे हैं लेकिन एक थोड़ा सा राइट में है और एक थोड़ा सा लेफ्ट में है। तो ये होता है, आजकल ये सब बहुत कम हो गया है क्योंकि VHF और UHF दोनों जो आ गया है तो जनरली ये सब नहीं होता, और अब तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सारा कुछ DTH से है, तो बहुत कम ये सब देखने के लिए मिलता है, लेकिन पहले वाले TV में ये सब बहुत ज़्यादा रहता था। अभी भी अगर किसी के पास होगा पहले वाला TV तो उसमें वो लोग देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मेरा जो सिग्नल होता है ये बेसिकली रिफ्लेक्टिंग जो इसका नेचर है उसके कारण होता है। हम लोग देखे थे अभी प्रोपोगेशन में कि जो भी वेव है, अगर मेरा ये ट्रांसमीटर एंटीना है, यहाँ पे ये रिसीवर एंटीना है, तो एक वेव तो डायरेक्ट रिसीवर तक जाएगा, ठीक है, लेकिन कोई वेव क्या होगा, हो सकता है रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पहुंचे, कोई और वेव क्या हो सकता है, हो सकता है कहीं और से रिफ्लेक्ट होकर के दो तीन बार रिफ्लेक्शन करके यहाँ पहुंचे। तो कोई भी वेव है वो कैसे पहुंच रहा है, डायरेक्ट रिसीवर तक पहुंच रहा है या फिर रिफ्लेक्शन के बाद पहुंच रहा है, ये तुम नहीं जानते हो। ये कौन जानता है, हम लोग का जो रिसीवर एंटीना है वो जान रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव क्या करेगा, मान लो कि ये मेरा ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। अब ये रिफ्लेक्टर मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग एक रिफ्लेक्टर लेके खड़े हैं, ये रिफ्लेक्टर क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, हो सकता है कोई बिल्डिंग हो, कोई हिल हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा, मान लो ट्रांसमीटर से रिसीवर, एक तो ये डायरेक्ट पाथ आ गया, हम लोग सिग्नल भेजे, यहाँ पे सिग्नल रिसीव हो गया, एकदम क्लियर है ये तो। लेकिन हो सकता है कि जो ट्रांसमिशन हुआ, EM वेव तो स्पेस में पूरा खुला छूटता है ना, वो तो रेडिएट हो रहा है, तो मान लो कि एक वेव इस डायरेक्शन में गया कोई बिल्डिंग से टकरा करके, उसके बाद रिसीवर पे आया, ये जो दूसरा वेव था ये डायरेक्ट रिसीवर पे नहीं पहुंचा, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड पाथ है ये तो ज्यादा दूरी ट्रेवल किया, ठीक है ना, ये जो वेव है ये डायरेक्ट यहाँ पे गया, और ये जो रिफ्लेक्टेड वाला है वो तो पहले यहाँ गया फिर यहाँ आया, तो ये रिफ्लेक्टेड पाथ को ट्रांसमीटर से रिसीवर पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, डायरेक्ट पाथ जल्दी पहुंच जाएगा। तो अभी क्या होगा, एक ही पिक्चर है, मान लो ये जो पिक्चर है ये हम यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बार तो ये पिक्चर रिसीवर पे पहुंच गया, हमको एक पिक्चर दिख गया, अभी क्या होगा, तुरंत उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड वाला पिक्चर यहाँ आएगा, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्टेड वाले को थोड़ा टाइम लगेगा, पहले डायरेक्ट वाला पिक्चर आएगा फिर रिफ्लेक्टेड पिक्चर आएगा, तो हमको ऐसा लगेगा कि मेरा जो पिक्चर है वो ऐसा दिख रहा है, राइट डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। तो हम लोग पहले शुरू से पढ़ लेते हैं इसको, घोस्ट इंटरफेरेंस अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्क्रीट रिफ्लेक्शन ऑफ सिग्नल फ्रॉम सर्फेस ऑफ बिल्डिंग ब्रिज हिल टावर्स etc। मतलब जो घोस्ट इंटरफेरेंस है वो किसके कारण से आता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है, सिग्नल रिफ्लेक्शन होता है किससे, तो बिल्डिंग से, ब्रिज से, टावर से, ये सब से, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन से क्या होता है, तो द रिफ्लेक्टेड पाथ इज लॉन्गर देन द डायरेक्ट पाथ, जो रिफ्लेक्टेड पाथ है वो ज्यादा लंबा है डायरेक्ट पाथ से, एंड दस टेक्स लॉन्गर टाइम टू अराइव एट रिसीवर। ऑब्वियसली तुम ज्यादा दूरी ट्रेवल करोगे तो तुम लेट से पहुंचोगे। तो द डायरेक्ट सिग्नल इज यूजुअली स्ट्रॉन्गर एंड अज्यूम कंट्रोल ऑफ सिंक्रोनाइजिंग सर्किट्री। अभी क्या होता है कि जो डायरेक्ट पहुंचा है उसका सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सिग्नल स्ट्रेंथ भी तो वीक होगा, तुम ज्यादा दूर चलोगे तो ज्यादा थक जाओगे, कम दूर चलोगे तो तुम्हारे में एनर्जी रहेगा। वही चीज है कि जो भी वेव कम दूर चला वो डायरेक्ट पहुंचा बिना किसी रिफ्लेक्शन के, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है या जो स्ट्रेंथ है उसका वो ज्यादा रहता है रिफ्लेक्टेड वेव से। तो जो चीज ज्यादा रहता है वही सिंक्रोनाइजिंग सर्किट को टेक ओवर करता है। हमारे जो टीवी में हम लोग देखे थे ना कि बहुत सारा सिंक्रोनाइजिंग सर्किट होता है, तो जो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा वही सिंक्रोनाइजिंग सर्किट को ऑपरेट करेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि मेरा डायरेक्ट सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग है, तो सिंक्रोनाइजिंग सर्किट को कौन ऑपरेट करेगा, मेरा डायरेक्ट सिग्नल, जो डायरेक्ट सिग्नल बोलेगा सिंक्रोनाइजिंग सर्किट वही करेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड सिग्नल अराइव करता है, तो मेरा पिक्चर जो होता है वो ऐसा लगता है कि वो राइट की तरफ डिस्प्लेस है। जैसे इस पिक्चर को देखो, ऐसा लग रहा है ना कि पिक्चर इधर साइड जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेस हो गया है कि ये जो राइट वाला ये वाला जो पीक दिख रहा है इसको पीछे की तरफ होना चाहिए था, लेकिन ये पीक जो है वो आगे की तरफ घसक गया है, ठीक है। लेकिन असली में क्या है कि ये जो आगे वाला है यही मेरा डायरेक्ट इमेज है, जो ओरिजिनल इमेज था वो ये वाला है, पीछे से कौन आया, मेरा रिफ्लेक्टेड वाला, तो ये वाला जो पीक है वो रिफ्लेक्टेड है। लेकिन लग क्या रहा है कि मेरा जो इमेज ओवरऑल जब इस इमेज को देख रहे हैं तो लग रहा है ना कि ये राइट में इतना दूर घसक गया है, इसको कहते हैं ट्रेलिंग घोस्ट इमेज, ठीक है। ट्रेलिंग घोस्ट इमेज, ट्रेल मतलब क्या होता है, पीछे वाला चीज, तो ट्रेलिंग घोस्ट मतलब इसका पीछे एक
और इमेज है, घोस्ट हम लोग बोलते हैं ना, अरे भूत है हमारे पीछे, भूत है, हमको लगता है मेरे पीछे हमेशा कोई खड़ा है, तो वही वाला चीज हुआ। उसी से टर्म आया ट्रेलिंग घोस्ट, मतलब घोस्ट है इसका जो इमेज है उसी टाइप का एक इमेज है, लेकिन वो ट्रेल कर रहा है इसको, डायरेक्ट इमेज के पीछे है, ट्रेल मतलब उसको होता है फॉलो करना, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेलिंग घोस्ट, मतलब कि मान लो कि मेरा डायरेक्ट इमेज के कारण ये एक पिक्चर आया, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो ये मेरा ट्रायंगल ये डायरेक्ट इमेज के कारण आया। अब जो घोस्ट पिक्चर आएगा, ट्रेलिंग पिक्चर आएगा, पहले ये डायरेक्ट आ गया, अब थोड़ा टाइम बाद जब रिफ्लेक्टेड आएगा, तब तक स्कैनिंग वगैरह सब चल रहा है, तो रिफ्लेक्टेड जो आएगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा पीछे होगा, थोड़ा सा लेट होगा इससे, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हो गया मेरा घोस्ट इमेज, ये था डायरेक्ट इमेज। तो अभी क्या लग रहा है कि ये जो डायरेक्ट इमेज है ये थोड़ा इतना दूर राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो इसको कहते हैं ट्रेलिंग घोस्ट। एग्जाम में कोई ये नहीं है कि तुमको यही वाला फिगर बनाना है, तुम कोई भी एक चीज लेकर के उसको दिखा सकते हो कि हाँ ये हम भेजे थे, ये डायरेक्ट रिसीव हुआ, इसके पीछे पीछे ट्रेलिंग घोस्ट की तरह ये एक सिग्नल आया, तो हमको लग रहा है कि पिक्चर जो है वो राइट डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। दूसरा होता है लीडिंग घोस्ट इमेज, इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें क्या था, लग रहा था पिक्चर राइट की तरफ शिफ्ट है, इसमें क्या लगेगा, लगेगा पिक्चर लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड है, ठीक है। इसमें ये डायरेक्ट इमेज होता है, ये घोस्ट इमेज है, लेकिन इसमें क्या था, लग रहा था पिक्चर राइट की तरफ है, इसमें लगेगा कि पिक्चर लेफ्ट की तरफ है। तो ऑन रेयर ओकेजन डायरेक्ट सिग्नल मे बी द वीकर वन, ये बहुत कम होता है, ज्यादातर यही होता है, क्योंकि जो मेरा डायरेक्ट सिग्नल है ऑब्वियसली वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट सिग्नल चलो हो सकता है कि वीकर हो, रिफ्लेक्टेड वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो अब क्या होगा, ये जो सिंक्रोनाइजिंग सर्किट को कौन लीड करेगा, जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल है वो, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो घोस्ट पिक्चर है अब किसके कारण बनेगा, डायरेक्ट सिग्नल के कारण बनेगा, क्योंकि अभी क्या है कि रिफ्लेक्टेड वाला जो सिग्नल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, तो जो भी सिंक्रोनाइजिंग सर्किट होगा टीवी में वो किसके कारण होगा, हमारा रिफ्लेक्टेड सिग्नल के कारण होगा। और ये आगे पीछे ये कौन जा रहा है, ये कौन डिसाइड करता है, सिंक्रोनाइजिंग है ना, सिंक्रोनाइजिंग का काम क्या है, जिधर से ये जो डेटा आ रहा है उसको उसी पॉइंट पे रखे, जो कि हम लोग स्कैनिंग में पढ़े थे यूज ऑफ सिंक्रोनाइजिंग सर्किट। तो जब सिंक्रोनाइजिंग सर्किट ही रिफ्लेक्टेड सिग्नल की तरह काम कर रहा है, तो अभी ये सिंक्रोनाइजिंग सर्किट डायरेक्ट इमेज को क्या देखेगा, वो सोचेगा अच्छा ये डायरेक्ट सिग्नल है तो ये तो घोस्ट इमेज है। तो लीडिंग घोस्ट इमेज में क्या होता है, हमारा जो डायरेक्ट सिग्नल रहता है वो घोस्ट पिक्चर की तरह काम करता है, और इस केस में लगता है हम लोगों को कि इमेज जो है वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस किया हुआ है। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, माइक ऑन है किसी का, द जनरल टर्म फॉर द प्रोपगेशन कंडीशन विच कॉजेज घोस्ट पिक्चर इज मल्टी पाथ ट्रांसमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मल्टी पाथ ट्रांसमिशन क्या होता है, मल्टी मीन्स बहुत सारा, पाथ मतलब रास्ता, ट्रांसमिशन मतलब जो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो मल्टी पाथ ट्रांसमिशन मतलब बहुत सारे पाथ से ट्रांसमिशन, हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो बहुत सारा पाथ है पहुँचने का, या तो हम स्ट्रेट जाएंगे या फिर इधर घूम के आएंगे या फिर हम ऐसे करके आ जाएंगे। तो मल्टी पाथ ट्रांसमिशन के कारण ही रिफ्लेक्शन होता है और उसी के कारण घोस्ट पिक्चर आता है। तो अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो घोस्ट इंटरफेरेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग डायरेक्शनल एंटीना एंड बाय लोकेटिंग देम एट सूटेबल प्लेसेस ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग। जो एंटीना है वो डायरेक्शनल हो, ताकि मेरा सिर्फ डायरेक्ट पाथ हो, रिफ्लेक्टेड पाथ नहीं हो, और उसको अगर हम लोग टॉप जो बिल्डिंग के टॉप पे, या फिर हम लोग देखे थे कि हमारा जो एंटीना होना चाहिए, हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं कि उसका हाइट बहुत ज्यादा हो, ताकि वो बिल्डिंग के टॉप पे हो, तो टॉप पे रखेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन कम होगा, क्योंकि बिल्डिंग वगैरह कितना हो सकता है, बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता है। अभी तो अगर भागलपुर में ही देखा जाए तो मान लो कि ठीक है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 10 मंजिला बिल्डिंग होगा, ठीक है, तो जिस भी एंटीना को तुम जितना ज्यादा ऊंचाई पे रखोगे उतना कम रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि आसमान में तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये जो भी चीज हो रहा है वो रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है, तो एंटीना ही तुम टॉप पे रखो तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो घोस्ट इंटरफेरेंस रिड्यूस कर सकते हैं डायरेक्शनल एंटीना से, और जो एंटीना है उसको बिल्डिंग के टॉप्स पे रख के, ठीक है। एक और चीज है, ये प्रेफरेंस ऑफ एएम फॉर पिक्चर सिग्नल, ये हम बहुत बार बता चुके हैं, तो ये तुम लोग ऐसे पढ़ भी सकते हो, और नहीं तो तुम लोग पहले से भी जानते हो कि साउंड के लिए एफएम क्यों यूज करते हैं, पिक्चर के लिए एएम क्यों यूज कर सकते हैं, तो ये तुम लोग अपने से पढ़ लेना, ठीक है। सब कुछ बहुत इजी लैंग्वेज में हम सारा कुछ लिखे हैं, तो आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम है किसी को, क्लियर है सभी, बहुत इजी है इसका, हम स्लाइड शेयर कर देंगे,
और जाकर के एक बार पढ़ लेना, बहुत ही मतलब कॉमन जो चीज है वही है, बस इसको इन टर्म्स ऑफ वेव और चैनल देखना है बस, जो हमारा हर चीज हमारे ह्यूमन बिहेवियर से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, बस उसको अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो समझने में भी आसानी रहेगा और याद रखने में भी, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को यहाँ तक? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे एंटेनास के बारे में।